अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। मैं नहायत अदबर इस्लाम के साथ जनाब आरिफ आजमी को, आरिफ अजमल को आवाज देना चाहता हूँ कि वो आए आप मुख्तसर, क्योंकि आपको अभी मजीद शोरा को सुनना है, मतलब हॉल जो है 10 बजे खाली करना है। हाजिन इकराम, सरदरे आली बकार से जा क्वेश्चन 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा बस। सबसे काबिल जिस सब्जेक्ट के तहत जो वजह है हम आपके यहाँ आरिफ साहब होने की, सैयद अहमद खान की खैरात के तौर पर चैलेंज ले पाता हूँ। अर्ज किया कि इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी, इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर वो सामान ये सारा रहता था। इल्म-ओ-फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर वो सामान ये सारा रहता था, और जी करता है लिख दू इन दीवारों पर इस धरती पर एक इदारा रहता था। जी करता है लिख दू इन दीवारों पर इस धरती पर एक इदारा रहता था, इस धरती पर एक इदारा रहता था। जल्दी जल्दी दो तीन कथा अर्ज किया है कि बिलखसूस बहुत गालिबन 2-2.5 साल बाद वो बड़े चेहरे मेरे करम फरमा मोहतरम मसाद अजमेरी साहब, शकील आदमी भाई और अल्ताफ जिया जान साहब, यूसुफ साहब सब मिले हैं। मैं चार में से पाता हूँ। अर्ज किया है कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर, मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। और यूं अर्ज किया के मुश्किल को आसान बनाना आता है, मुश्किल को आसान बनाना आता है, भूखे रहकर भी मुस्काना आता है, मुश्किल को आसान बनाना आता है, भूखे रहकर भी मुस्काना आता है, और सबसे पहले उसको बच्चे दिखते हैं, सबसे पहले उसको बच्चे दिखते हैं जब चिड़िया के मुंह में दाना आता है, सबसे पहले उसको बच्चे दिखते हैं। तो मुश्किल को आसान बनाना आता है, भूखे रहकर भी मुस्काना आता है, और सबसे पहले उसको बच्चे दिखते हैं जब चिड़िया के मुंह में दाना आता है। और जकरिया साहब सदारत कर रहा है इन कीमती लोगों के लिए, मुंसिफ साहब को बिलखसूस मुबारकबाद इनके किताब के रस्म इजरा के लिए। शकील भाई पढ़ता हूँ आपके लिए, अर्ज किया कि ये करिश्मा तू मेरा कद ही घटाकर कर दे। 2004 में से पढ़ता हूँ अंजान साहब कि ये करिश्मा तू मेरा कद ही घटाकर कर दे, चांद सूरज के सितारों के बराबर कर दे, ये करिश्मा तू मेरा कद ही घटाकर कर दे, चांद सूरज के सितारों के बराबर कर दे, और एक जुगनू ने ये रो रो के दुआ मांगी है जो मुनव्वर है उन्हें और मुनव्वर कर, एक जुगनू ने ये रो रो के दुआ मांगी है जो मुनव्वर है
उन्हें और मुनव्वर कर दे, उन्हें और मुनव्वर कर दे। और ये किताब के जैसे अंदर जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं। यलगार साहब सुने, आपकी उर्दू के लिए ये जुनून, ये जज्बा आपका, सुने आपके लिए पढ़ता हूँ कि जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। बस मतलब दो तीन शेर, एक मतलब अर्ज किया कि हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, कि हमने हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। से ये सुनाना मकसूद था कि आईना जब भी सदाकत का बनाता है, आईना आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। और ये इसमें देखा था भाई, काफी बनाने की कोशिश की थी। आईना आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। और जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। और जुल्म जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। और अपनी शेर, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। और कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, कितना कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, सहने पड़ते हैं शबो रोज करारे पत्थर।